अभी दो दिन पहले अश्विनी कुमार जी और पवन बंसल को भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उनकी जगह अश्विनी कुमार जी की जगह कपिल सिब्बल जी कानून मंत्री बने हैं देश के। लेकिन दुख की बात यह है कि उनको कानून मंत्री बने हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार करना चालू कर दिया। मामला ये है, वोडाफोन और हचिंसन, इसमें कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि वोडाफोन और हचिंसन के ऊपर जो लगभग 11,000 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी है उसे हम कोर्ट के बाहर उनसे समझौता करके सुलट लेंगे। एक प्रश्न उठता है, कपिल सिब्बल जी को इतनी भी क्या जल्दबाजी थी और वोडाफोन और हचिंसन की टैक्स लायबिलिटी को कोर्ट के बाहर सुलझाने की क्या जरूरत है? कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो उसकी वेट कर लें। तो पता चला कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कपिल सिब्बल जी का बेटा हचिंसन का वकील है और पिछले कई सालों से उनका जो बेटा है अमित सिब्बल वो खुद इनके वकील हैं। दूसरा मुद्दा इसमें ये निकल के आया कि हचिंसन और वोडाफोन ने एसआर को एसआर के साथ एग्रीमेंट किया है 2000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट। अगर इसको डिटेल में अच्छे से एनालाइज करें तो ये रिश्वतखोरी का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट की कॉपी हमने आपके दो एग्रीमेंट्स हैं इसके साथ लगा दिया अटैचमेंट में। इस एग्रीमेंट में ये है कि हचिंसन और वोडाफोन ने इनको बोला है एसआर को कि आप जो मर्जी करके सुप्रीम कोर्ट में मामले को या तो that those proceedings are finally withdrawn or dismissed as soon as practically possible after the date of court. courts के अंदर आप मामले को या तो dismiss करवा दीजिए या withdraw करवा दीजिए। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए हचिंसन और वोडाफोन ने एसआर को दिए कि आप इन मामलों को कोर्ट्स में और एफआईपीबी में आप डिसमिस करा दीजिए या विड्रॉ करा दीजिए। तो कपिल सिब्बल साहब ने आते ही सबसे पहला ये काम किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामला विड्रॉ करने के लिए कार्रवाई चालू कर दी कि भाई हम इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, उनसे बातचीत करके समझौता करके कर लेंगे। तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस 2000 करोड़ रुपए का एक हिस्सा कपिल सिब्बल साहब को भी मिलने जा रहा है? मामला क्या था? मामला ये है कि वोडाफोन ने हचिंसन से शेयर खरीदे, हचिंसन को उस सेल में 50,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। उस 50,000 करोड़ रुपए पे भारत के कानून के हिसाब से 11,217 करोड़ रुपए का टैक्स बनता था। भारत का कानून ये कहता है कि जब वोडाफोन ने उस पैसे की पेमेंट करी तो उनको 11,217 करोड़ रुपए टैक्स काटना चाहिए था। ना तो वोडाफोन ने वो टैक्स काटा और ना हचिंसन ने उस पैसे के ऊपर पेमेंट की, जो उनको 50,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ उस पर उन्होंने टैक्स भरा, दोनों ने नहीं किया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने हचिंसन और वोडाफोन के फेवर में जजमेंट दिया कि आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वो जजमेंट इतना गलत था कि चारों तरफ उस जजमेंट की भर्त्सना हुई। जस्टिस जे एस वर्मा, लेट जस्टिस जे एस वर्मा, उन्होंने तो यहां तक कहा दैट दिस इज अ ब्लैक ऑर्डर, उन्होंने कहा कि यह काला आदेश है, बहुत गलत आदेश है। हमारे देश की संसद को भी लगा कि यह गलत आदेश है, तो हमारे देश की संसद ने कानून बदल के कानून ऐसा बदला कि वोडाफोन इस टैक्स से बच ना पाए और कानून बदला गया कि वोडाफोन को यह टैक्स देना पड़ेगा। वोडाफोन ने इस कानून को ही चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चल रहा है। अभी प्रशांत आपको डिटेल में बताएंगे, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और कपिल सिब्बल साहब ने मंत्री बनते ही अब कार्रवाई चालू की है कि उस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, समझौता किया जाए। इसका मतलब कि इससे वोडाफोन को फायदा होगा, इसका मतलब कि जो 12,000 करोड़
की टैक्स लाइबिलिटी है उससे वोडाफोन को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरे तो मोटे मोटे सवाल यही हैं कि इस देश में करोड़ों टैक्स पेयर्स हैं, सैलरीड टैक्स पेयर्स हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, वो लोग भी अगर चाहें कि कपिल सिब्बल साहब उनके साथ भी समझौता कर लें तो उस समझौते की प्रक्रिया क्या है भाई? वोडाफोन के साथ ही क्यों समझौता होना चाहिए? सारे लोग अगर इस देश के कहें भाई हम भी टैक्स नहीं देना चाहते, हमारे साथ भी समझौता कर लो, तो वो समझौता करने की प्रक्रिया क्या है? और दूसरा मुद्दा ये उठता है कि इस सरकार के पास शायद कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। एक आदमी, एक मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देता है और जो दूसरा मंत्री आता है उसकी जगह, दूसरा व्यक्ति उसकी जगह आता है, लालच इतना ज्यादा है कि 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया जाता, 24 घंटे में आते ही वो शुरू हो जाते हैं भ्रष्टाचार करना। और एक कमिटी बनी है कल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट करेगी, उसके चिदंबरम साहब चेयरपर्सन है और इसमें चिदंबरम साहब का भी नाम है। चिदंबरम साहब भी कह रहे हैं भाई वोडाफोन से थोड़ी सी समझौता कर लेते हैं, वोडाफोन को कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है। चिदंबरम साहब, कपिल सिब्बल साहब, सलमान खुर्शीद साहब, जो लगता है सबसे भ्रष्ट लोग थे इस सरकार के, उन तीनों को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए उनको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया गया। तो क्या वाकई देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलने वाली है? अब मैं प्रशांत से कहूंगा, वो डिटेल में आपको बताया। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 2007 में हचिंसन नाम की टेलीकॉम कंपनी जो हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उसको उसकी पूरी हिंदुस्तान की टेलीकॉम बिजनेस वोडाफोन ने परचेज कर लिया। ये परचेज करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का किया गया, जिसमें कि ज़्यादातर कैपिटल गेन था। उस कैपिटल गेन पर टैक्स बनता था 10,000 करोड़ से ज़्यादा, और ये टैक्स वोडाफोन को, जो हचिंसन को पैसा दे रहे थे, उसमें से डिडक्ट करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करना था। वोडाफोन ने यह दलील ली कि नहीं, हम लायबल नहीं हैं क्योंकि हमने जो एसेट ट्रांसफ़र किया है वो केमन आइलैंड की एक कंपनी का एक शेयर ट्रांसफ़र किया है, और वो कंपनी हिंदुस्तान की हचिंसन की पूरी बिजनेस को होल्ड कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि हमारा एसेट जो ट्रांसफ़र हुआ है वो केमन आइलैंड में हुआ है, जो कि एक टैक्स हेवन है, और यहाँ हिंदुस्तान में कोई एसेट नहीं ट्रांसफ़र हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और उनके ऊपर टैक्स और पेनल्टी वगैरह लगा दी। वो हाईकोर्ट में गए, वोडाफोन, हाईकोर्ट ने उनकी दलील ठुकरा दी। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने उनका अलाउ कर दिया, ये कह के अलाउ कर दिया कि नहीं नहीं, ये तो एसेट जो ट्रांसफ़र हुआ है ये केमन आइलैंड का है। इस जजमेंट का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। जस्टिस वर्मा ने यहाँ तक बोला कि ये तो हेबियस कॉर्पस, जो इमरजेंसी का जजमेंट था, जिसको सबसे काला जजमेंट कहा जाता है, उसकी तरह का जजमेंट। संसद ने इसी मामले को देखते हुए, उन्होंने कानून में सिर्फ इतना बदलाव किया इस केस के लिए कि अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र होगा बाहर भी और उस एसेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप हिंदुस्तान के एसेट से है, हिंदुस्तान की बिजनेस से है, तब फिर ये माना जाएगा कि वो एसेट ट्रांसफ़र हिंदुस्तान में हुआ है और उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा, और ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये कानून पार्लियामेंट ने पास कर दिया। अब जैसे ही चिदंबरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने तो वो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, हम इनसे कुछ नेगोशिएट करेंगे। मामला अटर्नी जनरल के पास और फिर जो पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार के पास गया, उन्होंने बोला कि इसमें नेगोशिएशन तो हो ही नहीं सकता, जब कानून बना हुआ है तो नेगोशिएशन गैर कानूनी होगा। उसके बाद कपिल सिब्बल, जैसे अरविंद ने बताया, जैसे ही कानून मंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि ठीक है, अब अटर्नी जनरल भी एक ही दिन में अपनी राय बदल लेते हैं, वानवती साहब, और कहते हैं कि नहीं नहीं, उनसे नेगोशिएशन कंसिलिएशन हो सकता है, और उनका जो ये जो डिमांड है उनके खिलाफ 11,000 से ज़्यादा करोड़ की, इसको अब हम नेगोशिएट करेंगे, कंसिलिएट करेंगे।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे किया जा सकता है कि कोई जो डिमांड जो कि कानून से बिल्कुल क्रिस्टलाइज्ड है, बिल्कुल साफ है कि उनको यह देना है, आप नेगोशिएट करके छोड़ देंगे? और इसी संदर्भ में जब ये वोडाफोन ने खरीदा तो उनको FIPP अप्रूवल कैसे मिला, ये बहुत रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि टेलीकॉम में 74% से ज़्यादा FDI नहीं हो सकता। इस केस में हचिनसन ने 15% बेनामी शेयर अनिलजीत सिंह और आसिम घोष के नाम से खरीद रखे थे, जिसका सारा पैसा वोडाफोन हचिनसन ने दिया था और उनसे अग्रीमेंट कर लिया था कि हम जब चाहें आपसे ये 4,000 रुपये के शेयर 10 रुपये में खरीद लेंगे, और इस वजह से वो बिल्कुल बेनामी ट्रांजैक्शन था, पैसा भी सारा हचिनसन का था, उनके बस अनिलजीत सिंह और आसिम घोष के नाम से वो शेयर लिए हुए। जब ये FIPB के अप्रूवल के पास के लिए गया, जिसके उस समय चेयरमैन चिदंबरम साहब थे, वो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उनके सारे अफसरों ने लंबे लंबे नोट्स लिखे जो इसमें कोटेड हैं, जिसके रेलेवेंट पार्ट्स इस नोट में कोटेड हैं। उन्होंने लिखा ये बिल्कुल बेनामी शेयर है, कतई इसको अलाउ नहीं किया जा सकता, ये FDI का वायलेशन हो जाएगा। चिदंबरम साहब ने उनके ऊपर दबाव डालकर आखिर में मीटिंग करके उनको क्लियरेंस दे दी, और तब ये बात सामने आई। उस समय हम लोगों का मामला, हम लोगों ने ये पिटिशन फाइल कर रखी थी, पेंडिंग थी हाई कोर्ट में, कि इसको क्लियरेंस नहीं दी जा सकती क्योंकि ये FDI का वायलेशन है, बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट का वायलेशन है, और ये मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन था। उस समय ये बात निकल कर आई कि एक सीक्रेट अग्रीमेंट कर लिया गया हचिनसन और SR के बीच में, और उस अग्रीमेंट में ये लिखा गया कि हचिनसन SR को 2000 से ज़्यादा करोड़ देगा कि FIPB का अप्रूवल मिल जाए, और हाई कोर्ट में ये जो केस फाइल किया है इसको चैलेंज करने के लिए ये खारिज कर दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि वो पैसा किसको दिया गया, कहाँ खर्च हुआ? CBI को तो इसकी जांच करनी चाहिए थी कि 2000 करोड़ रुपया एक कंपनी SR को दे रही है, हचिनसन SR को दे रही है कि हमें FIPB अप्रूवल लेकर दो और ये केस को रफा दफा कराओ, चाहे इसको खारिज कराओ चाहे विड्रॉ करवाओ। तो सवाल यह है, इसकी जांच करने के बजाय, इसकी जांच तो नहीं करी जा रही ये 2000 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, लेकिन उन्हीं लोगों को जिन लोगों की जांच होनी चाहिए उन्हीं को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बना दिया है कि CBI की ऑटोनॉमी तुम लोग देखो। अब ये लोग क्या देखेंगे, उन्हीं के खिलाफ जांच होनी चाहिए और वो CBI को ऑटोनोमस बनाएंगे, मतलब ये तो बिल्कुल मजाक है। तो इस समय देश के सामने बहुत बड़ा गंभीर सवाल है कि क्या इस देश में करप्शन का इन्वेस्टिगेशन कभी ईमानदारी से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या यूं ही सरकारें CBI को अपने कब्जे में रखकर उनके ऊपर दबाव डालकर अपने मंत्रियों के खिलाफ कोई जांच नहीं होने देंगी। इसके अलावा हम लोगों ने जब 15 मंत्रियों का खुलासा किया था पिछले साल, उसमें और कई सारे चिदंबरम साहब और कपिल सिब्बल के साहब के खिलाफ चार्जेस थे, अब इन्हीं लोगों की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दी जाती, तो ये बहुत गंभीर मामला है हमारे देश के सामने। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, पेज नंबर 6 आपको ये दिखाता है, ये उस एग्रीमेंट की कॉपी है जो SR और हचिनसन के बीच में हुआ। पेज नंबर 7 पे एक लाइन अंडरलाइन है कि उनको काम क्या करना था। हचिनसन ने 2000 करोड़ रुपया, उसमें लिखा है सच दैट दोस प्रोसीडिंग्स आर फाइनली विथड्रॉन और डिसमिस्ड एज सून एज प्रैक्टिकली पॉसिबल आफ्टर द डेट ऑफ डेथ, कि देश में जितनी भी प्रोसीडिंग चल रही है इस मामले की उसको किसी भी तरह से डिसमिस कराइए या विथड्रॉ कराइए और ये 2000 करोड़ रुपया ले लीजिए। पेज नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 8 पे दिखाता है कि कितना पैसा दिया गया, SR को कितना पैसा मिला, इसमें $373.5 million अपफ्रंट दे दिया गया और 10% दैट इज $41.5 million डिलीवरी के बाद, और फिर से आप लास्ट लाइन द फाइनल विथड्रॉल और डिसमिसल ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स, कि सारे मामले वोडाफोन के खिलाफ जितने मामले हचिनसन के खिलाफ जितने मामले चल रहे हैं
वो सारे मामले आप विड्रॉ करवाइए, डिसमिस कराइए, तो 2000 करोड़ की क्या जरूरत है? तो 2000 करोड़ तो इसीलिए दिया गया ना, भी ले दे के जिसको देना है, जिस मंत्री को देना है, जिस जज को देना है, जो देना है, आप इसको मामलों को सुलटवाइए। उसके बाद लास्ट में आप आइए पेज नंबर 11, ये दिखाता है कि अमित सिब्बल, जो कपिल सिब्बल साहब के बेटे हैं, वो इसके अंदर हचिंसन के वकील हैं, जिसको टैक्स देना था। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 दोनों ये दिखाता है कि ये हचिंसन के वकील हैं, करीब करीब हर हियरिंग में अपीयर होते थे। Just 2 points, Mr. Prashant, just because, you know, Amit Sibal says that he has withdrawn from this once his father became a telecom minister. Are you aware of that or not? From 2009, once his father became a telecom minister, is it a fact that he withdrew from the case or not? See, he was a senior advocate, or rather, his wakalatnama was not filed in this matter. So, maybe that in the... Probably there has been only one hearing since the time that Mr. Sibal became the communications minister. Maybe he didn't appear in that. Maybe he didn't intend to appear after that. But that is irrelevant. See, there are 2 points being made here. Firstly, there is a conflict of interest of Mr. Sibal in this matter because his son had been appearing. We don't know how much fees he has received from this Hutchinson in this matter. But clearly, he was the counsel for Hutchinson in this matter. Secondly, how can a law minister say that in view of a crystallized liability of income tax, which is crystallized by parliamentary legislation, that we will enter into some negotiation or conciliation with the company for reducing that liability? Especially when the previous law minister, on the basis of the previous advice of the Attorney General, had said that this would be totally illegal. Just to correct you on two points. Yeah. Firstly, this opinion that has been given was a cabinet proposal that was moved by Chidambaram for Vodafone for out-of-court settlement, which has been discussed a lot. Subsequent to that, what had happened was that once he asked for it, the law ministry, you're right, said no. After that, it went back to the finance minister. The finance minister, in a meeting with the revenue secretary and chairman CBDT, gave an opinion wherein they said that they are not going to have an out-of-court settlement without the permission of the parliament. Subsequent to that, the day Mr. Sibal took over, the AG was asked for an opinion. The attorney general gave an opinion saying that there was no attempt to bypass parliament. This is a non-binding conciliation based on the inputs that were given of the meeting, and on that basis, Mr. Sibal didn't agree. He just concurred and gave it. Because I had the document. See, so the point is that once there is a law of Parliament which says, you see, what was the issue? Well, one has to understand what was the issue. Issue was, has this capital gain? Is the capital asset on which this capital gain has accrued, is this a capital asset based in India or not? That has been ruled by the Supreme Court. That was ruled by the Supreme Court. Subsequent to that, Parliament moved an amendment retrospectively. Right. So then the tax demand has been issued to Vodafone. Right, right. Subsequent to that, there was a standing committee for finance which had moved that in the interest of investors and your situation, that we must make it conducive. Then there was a Parthasarathi Shom committee report. Based on that, the finance ministry moved this proposal. You're right to say that the then law minister objected to it. Subsequent to that, my limited point is ki pichle 24 ghante mein bhai agar kanun mantri ne kaha tha ki hame out of court settlement nahi karna chahiye, hame unke sath samjhota nahi karna chahiye, कानून मंत्री बनने के बाद वो कुछ और सलाह तो करते कुछ लोगों से, पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि वानावती साहब ने भी अपना ओपिनियन बदल दिया, कपिल सिब्बल साहब ने आते ही पहला काम ये किया और कुछ किया या नहीं किया कि उनसे कहा भी अब समझौता करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है साहब, ऐसी क्या अर्जेंसी थी भाई, आते महीना दो महीना और 10 लोगों से सलाह लेते, भाई पहले वानावती साहब ने कहा कि नहीं समझौता करना चाहिए, कपिल सिब्बल साहब 11 बजे मंत्री बनते हैं और 3-4 घंटे के अंदर वानावती साहब बदल देते हैं, कुछ ना कुछ कहीं मैच फिक्सिंग नजर आ रही है जो पहले से हो चुकी है। नहीं, अटॉर्नी जनरल तो वैसे भी राय बदलते हैं सर। हाँ, वो वैसे भी राय बदलते हैं। और देखिए,
एफआईपीबी ने एफआईपीबी के अफसरों ने कितना स्ट्रॉन्ग नोट लिखा था, साफ साफ लिखा था कि ये बिल्कुल बेनामी होल्डिंग है और इस होल्डिंग के आधार पर एफआईपीबी अप्रूवल इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनकी 74% से ज़्यादा फॉरेन होल्डिंग हो रही है, 89% हो रही है। लेकिन सारे अफसरों की राय को ओवररूल करके चिदंबरम साहब ने एक दिन में उनको अप्रूवल दे दिया। और ये पैसा किस लिए दिया गया? 2000 करोड़ रुपया जो हच ने एसआर को दिया, किस लिए दिया? कि आप एफआईपीपी अप्रूवल ले आकर हमको दिलवाइए और ये जो केस हाईकोर्ट में फाइल किया हुआ है इसको रफा दफा करवाइए ये बेनामी वाला। अब इस ऐसे बैकग्राउंड में जिसमें चिदंबरम साहब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले चुके हैं, उनकी दलील पर ये साफ जाहिर है कि वो बार बार दलील कर रहे थे कि वोडाफोन से नेगोशिएशन करिए, नेगोशिएशन करिए। अश्विनी कुमार ने बाकी जो भी गलत काम किए हों ये सही ओपिनियन दी उन्होंने कि भाई ये नेगोशिएशन नहीं हो सकता, कानून के खिलाफ होगा। कपिल साहब सिब्बल साहब ने 24 घंटे के अंदर, जबकि उनको ये मालूम था कि उनका बेटा इनका वकील है, इनका वकील रह चुका है, इसी केस में वकील रह चुका है जिसमें ये कैपिटल गेन का मामला है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं इनकम टैक्स में था, इनकम टैक्स एक्ट की कौन सी धारा के अंदर ये समझौता पॉसिबल है, कंसीलिएशन पॉसिबल है? नंबर वन। नंबर टू, चिदंबरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस देश के, वो ये बताएं कि पिछले 5 साल में उन्होंने किस किस कंपनी के साथ इस तरह के समझौते किए हैं। नंबर तीन, अब ये कानून मंत्री बने हैं, ये बताया जाए कि पिछले 10 साल के अंदर किस किस कंपनी के साथ इस तरह के समझौते की दलीलें दी गई है और कौन से कानून के अंदर ही कानून मंत्री काम करेंगे ना, किस तरह का समझौता आपका? और अगर ये समझौता कर रहे हैं तो मैं भी समझौता करना चाहता हूं, मैं क्यों टैक्स दूं? ये भी समझौता करना चाहते हैं, हमें भी बताया जाए भी कैसे समझौता किया जाता है, हम भी आ जाएंगे समझौता करने के लिए। इस देश के सारे व्यापारी समझौता करेंगे, सारे इंडस्ट्री सब कहेंगे हमें टैक्स नहीं देना, समझौता कर लो हमारे साथ। ये जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के अप्रूवल से ही समझौता होगा, अरे पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है, उसके खिलाफ जाकर पार्लियामेंट कोई समझौते को अप्रूवल थोड़ी दे सकती है, वो बिल्कुल गैर कानूनी होगा। सर, ये अचानक वोडाफोन में इंटरेस्ट क्यों है? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, पिछले 5 साल में किस किस कंपनी के लिए इनके मन में इतनी सिंपैथी जागी है, बताएं तो सही। केवल वोडाफोन के लिए सिंपैथी जागी कि कैबिनेट इस देश की एक कंपनी को बचाने के लिए और अप्रूवल देगी, तो ये क्यों? क्योंकि ये 2000 करोड़ का रिश्वतखोरी का एग्रीमेंट हुआ है। अब 2000 करोड़ किस किस में बटेगा? कैबिनेट में सब में बटेगा कि केवल चिदंबरम साहब, वानावती और इनमें बटेगा, सिब्बल साहब में बटेगा? अब ये डिसाइड होना। तो ये 2000 करोड़ रुपए किस किस के पास गया, इसकी जांच कौन कर सकता है? सीबीआई कर सकती है। सीबीआई कितनी इंडिपेंडेंट होगी वो चिदंबरम साहब डिसाइड करेंगे। सर, the amendment made by the parliament was effectively to override the supreme court judgment. Now they are saying they'll go back to the cabinet. It is not clear whether they'll invoke the bilateral investment treaty clause or what they will do. So basically, is this an attempt to subvert the amendment passed by parliament? कैबिनेट डज नॉट हैव द पावर टू चेंज द लॉ। दूसरी चीज, अगर बायलेटरल एग्रीमेंट है दोनों देशों के बीच में, हु हैज द पावर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट टू डिसाइड कि कितनी टैक्स लाए? कैबिनेट डज नॉट हैव द पावर। इनकम टैक्स एक्ट में द असेसिंग ऑफिसर हैज द पावर। कैबिनेट किस कानून के तहत? द लॉ मिनिस्टर डज नॉट हैव द पावर, द फाइनेंस मिनिस्टर डज नॉट हैव द पावर, द कैबिनेट डज नॉट हैव द पावर टू डू दैट। तो ये सारा बेसिकली ये डिसाइड हो रहा है कि वो 2000 करोड़ रुपए किस किस में बटेगा, और कुछ नहीं डिसाइड हो रहा है। सारी जड़ यह है कि वो 2000 करोड़ रुपया जो रिश्वतखोरी के एग्रीमेंट में आया है, ये बाय चांस ये एग्रीमेंट हमारे हाथ लग गया। सर जी, इज दिस 200 करोड़ एग्रीमेंट लीगली वायबल? एंड द एग्रीमेंट सेज टू एडजस्ट द केसेस एंड एडजस्ट द एफआईपीबी, इज इट लीगली वायबल? नहीं, देखो, दे विल से, दे आर सेइंग दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट वाज टू गेट एसआर नॉट टू ऑब्जेक्ट टू दिस होल अरेंजमेंट। But the point is, it is absolutely clear when you read that agreement is essentially to get the FIPB approval, and because both these things were pending at the time when this agreement was entered into. FIPB approval was pending, High Court case
saying that this is a violation of the Benami Transactions Act, violation of FEMA, etc. And therefore, all their shares and their assets should have been confiscated on the basis of this violation, which Chidambaram single-handedly overruled all his officers in the FIPB who went into it in great detail and said that this is transparently Benami, this is a violation of the FDI norms in telecom, etc. And yet he did that. And since then, throughout, Mr. Chidambaram has been very benevolent towards this Vodafone and has been trying his level best somehow to exempt them from this tax liability. This is not the only case. You had referred earlier with the KG Basin thing. And the cabinet decided in favor of monies for the... इनकम टैक्स में पिछले 10 साल में हमारे देश के किस किस वित्त मंत्री ने किस किस कंपनी के साथ समझौता करने, समझौता शब्द है ही नहीं इनकम टैक्स एक्ट में, सेटलमेंट शब्द है, वो इनकम टैक्स सेटलमेंट के तहत होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर सेटलमेंट नहीं करता, वो लॉ मिनिस्टर सेटलमेंट नहीं करता, तो कानून है। अब ये किस कानून के तहत ये कंसीलिएशन और समझौता कर रहे हैं, एक ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसका मतलब कोई कानून वानून नहीं है। But you are saying his son was appearing for Vodafone. Do you think that the case is likely to be rejected? So he wants the arbitration or settlement out of the court settlement? नहीं, see ये दो अलग अलग चीजें हैं. Let us separate them. One was, see, the case in the High Court is regarding FIPB approval. The case which went to the Supreme Court was regarding tax liability. Though both arose out of the same transaction, that sale of the entire telecom business from Hutch to Vodafone led to this issue of whether FIPB approval could be given, whether there was a violation of FDI norms, and it also led to this tax liability. But there were two streams of cases. What this agreement is based upon is to settle, firstly, get them the FIPB approval, and secondly, settle these court cases, which may also include the tax case, but certainly includes this particular case where the FIPB approval and the FDI the violation of FDI norms had been challenged, which case is still pending in the High Court. अरविंद जी, अरविंद जी, सवाल है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद सिब्बल साहब से हमने सवाल किया था, क्या आप कानून मंत्री बन सकते हैं? उनका जवाब ये था कि मेरे बेटे प्रैक्टिस करते हैं, मुझे नहीं बनना चाहिए, मैं नहीं बनूंगा। फिर क्या वजह है कि पहला मौका मिलते ही उन्होंने इस पद को छोड़ा? ये तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, हम आपकी बात से पूरी सहमत है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा था सिब्बल साहब ने कि मुझे कानून मंत्री नहीं बनना चाहिए क्योंकि मेरा बेटा प्रैक्टिस करता है, तो वो कानून मंत्री क्यों बने? अरविंद जी, मामले से अलग, हारून यूसुफ ने आज ये कहा है कि बिजली के मामले में आप गुमराह कर रहे हैं, आपने जो चिट्ठियां भेजी थी उसमें से कई चिट्ठियों पे एक ही नाम पते लिखे हुए हैं। तो कितनी चिट्ठियां गड़बड़ है? अभी मैंने एक अखबार में पढ़ा था, उन्होंने कहा भाई 80% चिट्ठियां तो ठीक है, बाकी 20% चिट्ठियों में नाम किसी और का है, साइन किसी और का है। ऐसा हो सकता है नाम किसी और का हो, क्योंकि कई जगह जब वो गए तो फैमिली, वो जो ओनर था उसका नाम उन्होंने लिख दिया जिसके नाम से कनेक्शन था, साइन बेटे ने कर दिया। पर चलिए 20% गड़बड़ है, 80% तो ठीक है, उस पे कार्रवाई कर लीजिए। एक और बात कही है कि आप मदद नहीं करते उन लोगों की जिनके घर का कनेक्शन कट जाता है। बताइए किसकी मदद नहीं की? हमारे पास जो जितने फोन आ रहे हैं सबके जाके हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं, हमने वकीलों की टीम खड़ी की हुई है। अगर कोई केस आपकी नजर में आया जो बाई चांस हम तक नहीं पहुंचा, आप हमें बता दीजिए, मदद करेंगे। थैंक यू।